ऑफिस का सबसे डिफिकल्ट काम होता है काम करना, और उससे भी डिफिकल्ट होता है सुंदर दिखते हुए काम करना। तो इसी से रिलेटेड मेरा आज का वीडियो है ऑफिस लुक। सो गर्ल्स, यू कैन सी मैंने बिल्कुल भी मेकअप अप्लाई नहीं किया है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप से, दैट इज मॉइस्चराइजिंग। सबसे पहले मॉइस्चराइजर को बैक ऑफ द हैंड्स में लीजिए, डॉट्स बना के फेस पर लगाइए एंड जेंटली मसाज इट ऑन बोथ द साइड्स। नाउ आई विल बी यूजिंग सनब्लॉक। सनब्लॉक को बैक ऑफ द हैंड्स में लीजिए, डॉट्स बनाकर फुल फेस लगाइए। इसे मसाज नहीं करना है, जस्ट जेंटली लेयर बनानी है। हम यूजुअली ऑफिस जाने के लिए काफी ट्रैवल करते हैं। इवन इफ यू आर नॉट ट्रैवलिंग दैट मच, विंडो से भी काफी लाइट आती है आपके ऑफिस में। सो बेटर गो फॉर अ गुड सनब्लॉक। नाउ विल बी यूजिंग कंसीलर। इसे अपने ब्लेमिशेस एंड अंडर आईज पर अप्लाई करिए। सेम कंसीलर अपने आईज पर भी अप्लाई करिए, ये आपको एक आई शेडो बेस देगा। इररेगुलर वर्किंग आवर्स की वजह से हमें डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो इसी वजह से हमारा बेस्ट फ्रेंड है कंसीलर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज फाउंडेशन। आई एम यूजिंग पाउडर फाउंडेशन विच इज इजी टू कैरी इन योर हैंड बैग। इसे आप स्पॉन्ज की मदद से पूरे फेस पर अप्लाई करिए। लाइट फाउंडेशन आपके हाइलाइटिंग एरियाज के लिए एंड लिटिल डार्कर रेस्ट ऑफ द फेस के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है टू फाउंडेशंस कैरी करना, आप एक फाउंडेशन में भी काम चला सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आई मेकअप से। इस लुक के लिए मैं यूज करूंगी न्यूट्रल शेड्स। सबसे पहले लाइट कलर अप्लाई करिए अपनी आईलिड्स पर। ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज करूंगी बेज कलर। क्रीज को शार्प करने के लिए टोप कलर। इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करिए। अब मैं आईलाइनर अप्लाई करूंगी फेल्ट टिप लाइनर से। सिंपल लाइनर एप्लीकेशन, नॉर्मल टिप। क्योंकि ये एक फॉर्मल लुक है, इसीलिए आईलाइनर एप्लीकेशन थिन रखिए। लाइनर को ज्यादा विंग मत करिए, अदरवाइज बॉस को पता चल जाएगा कि आप लेट क्यों आए थे। अब हम लैशेस को कर्ल करेंगे। ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आपके पास ज्यादा समय ना हो तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। अब हम अप्लाई करेंगे मस्कारा। सबसे पहले नीचे की तरफ, अब लैशेस को कर्ल करते हुए ऊपर की तरफ अप्लाई करिए। अब हम अप्लाई करेंगे काजल ऊपर की वॉटर लाइन पर। अब लोअर वॉटर लाइन पे काजल अप्लाई करेंगे, बहुत ही हल्का, ज्यादा नहीं। अब मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी, उसके पहले कॉम्ब करूंगी। मैंने यूज किया है डार्केस्ट ब्राउन कलर, विच इज अ मिक्स ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन। अब मैं अप्लाई करूंगी ब्लशर। बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं करना है बिकॉज इट्स अ फॉर्मल लुक। इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं अप्लाई करूंगी लिप कलर। ज्यादा ब्राइट कलर यूज नहीं करें, अदरवाइज लोग प्रेजेंटेशन छोड़कर आपको ही देखते रहेंगे। आपने देखा हम कितने जल्दी तैयार हो गए, तो इसी तरह आप भी अपने प्रेजेंटेशन के लिए बहुत जल्दी तैयार हो सकते हैं। इसी तरह से मैं आपके साथ ढेर सारे लुक शेयर करूंगी, लेकिन आपको भी अगर कोई पर्टिकुलर लुक सीखना है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। इफ यू रियली लाइक माय वीडियोस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माइंड बॉडी सोल।